नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे समृद्धि ग्रुप के प्रोजेक्ट लग्जूरी एवेन्यू में 3 BHK फ्लैट की एक्चुअल वीडियो, जिसका साइज होगा 1395 स्क्वायर फीट। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको और भी साइजेस की वीडियो दिखाई थी, साथ ही पूरी सोसाइटी भी एक्सप्लेन की है। तो अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं फ्लैट पर और देखते हैं फ्लैट की वीडियो। तो अब हम लोग आ चुके हैं फ्लैट के एंट्रेंस पर और इस फ्लैट का साइज है 1395 स्क्वायर फीट। ये एक 3 BHK फ्लैट है विद 2 वॉशरूम। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये पूरा ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया होता है। इसमें ड्राइंग एरिया की बात करें तो ये पूरा एरिया ड्राइंग रूम के लिए होता है, जिसका साइज है 11:14। साथ में आपको एक सेपरेट बालकनी मिलती है, ये 5 फीट वाइड बालकनी होती है। और सामने की तरफ ये वाला जो एरिया है, ये है डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 9:3:10:6। और डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने की तरफ होता है किचन, तो ये एल शेप में आपको किचन मिलती है। किचन का जो साइज है वो है 9:7:3। और किचन के साथ ही आपको एक यूटिलिटी बालकनी मिलती है, तो ये बेसिकली यूटिलिटी बालकनी का एरिया है। यहाँ से आपको पार्क का व्यू आता है, ये 5 फीट वाइड बालकनी है। अब चलते हैं सबसे पहले बेडरूम की तरफ। ये पूरा ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया मैंने आपको दिखाया था, हम लोगों ने यहाँ से एंटर किया है। चलिए चलते हैं सबसे पहले बेडरूम की तरफ। तो ये सबसे पहला बेडरूम होता है, साथ में आपको कबर्ड के लिए स्पेस मिलता है। और इस बेडरूम के साइज की बात करें तो 10x11 का साइज है। साथ में आपको फॉल सीलिंग वगैरह भी मिलती है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ एक बालकनी है, ये 5 फीट वाइड बालकनी है जो कि 2 बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। और सामने आपको ये पूरा ओपन व्यू आता है। ये बेसिकली कॉमन वॉशरूम होता है, ये एक बेडरूम के साथ भी अटैच्ड है और कोई गेस्ट आता है वो भी इसको यूज कर सकता है। इस वॉशरूम का साइज होता है 5:7:6। और जस्ट इसके सामने की तरफ होता है दूसरा बेडरूम। इसके साथ बालकनी कॉमन हो जाती है। इसके साथ आपको एक सेपरेट वॉशरूम मिलता है, ये पूरा वॉशरूम एरिया होता है। वॉशरूम के साइज की बात करते हैं, 5:7:6 का साइज है। इसमें भी फिटिंग्स वगैरह हुई नहीं है, बट वो आपको होके मिलती हैं सारी। और ये पूरा कवर्ड के लिए स्पेस हो जाता है। ये बालकनी जो मैंने आपको दिखाई थी दूसरे बेडरूम से, सेम वही बालकनी है जो कि यहाँ से भी कनेक्टेड है। चलिए अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। तो बेसिकली इसमें 2 वॉशरूम है, एक वॉशरूम ये होता है और दूसरा वॉशरूम ये है। ये बेडरूम के साथ कनेक्टेड है और ये इस बेडरूम के साथ कॉमन हो जाता है और इस बेडरूम के लिए भी यूज हो जाता है। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये थर्ड बेडरूम होता है, जिसका साइज होता है 11:11:3। साथ में आपको कबर्ड के लिए स्पेस मिलता है, ये कबर्ड के लिए स्पेस है। और ये वॉशरूम की एंट्री हो जाती है और साथ में आपको एक सेपरेट बालकनी मिलती है। तो ये बालकनी है, यहाँ से आपके पूरे प्रोजेक्ट का व्यू आता है। ये बीच में पूरा पार्क होगा और सामने की तरफ वो जो आपको दिखता है वो टावर है इनके, और इधर भी इन्हीं का टावर है ये वाला, और ये इनके फेज़ 1 के टावर है जिसमें लाइट वगैरह जल रही है। तो अभी हम लोग फेज़ 1 में हैं, सामने की तरफ फेज़ 2 है, फिर फेज़ 3 वगैरह ये सामने काम चल रहा है। और इधर की तरफ सामने की तरफ ये ऑफिस है, ये आप देखेंगे। तो यहाँ से ही प्रोजेक्ट की एंट्री है, यहाँ पर हमारा ऑफिस होता है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।